चलिए बात गंज बासोदा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज की तरफ से काशी मैरिज गार्डन में यहाँ पर नागपंचमी और साथ ही चौरसिया दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर चौरसिया समाज ने यहाँ पर भोलेनाथ और साथ ही यहाँ पर उनके कुल देवता नाग देवता की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके बाद समाज के उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने परीक्षा में यहाँ पर उत्कृष्ट नंबर अर्जित किए। कार्यक्रम में नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ ही प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, भावसार जगदीश यादव सहित यहां पर कई जनप्रतिनिधि और साथी गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आज मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ यहाँ कि जो नाग देवता की जो हमारे हमारे जन्मदाता रहे हैं, मतलब चौरसिया समाज की जो उत्पत्ति की बात यदि कही जाती है तो यही कहा जाता है कि पान जो है, पान हमेशा पूजाओं में, हवन में, यज्ञ में पान का उपयोग होता था, पान का प्रयोग होता था। और युगों पूर्व जो है, जब पान की आवश्यकता महसूस की गई तो वो पाताल लोक में जाकर पान मिला, और पाताल लोक में पान लेने जाने के लिए किसी की क्षमता नहीं थी। हमारे चौरसी मुनि जो है वो पाताल लोक में पान लेने गए, और वहाँ पर जो नागलोक था, नागलोक के देवता ने उनके साथ नाग कन्या का विवाह किया, और उस वो फिर इसके बाद वो उस पर आए और फिर हमारी चौरसी